माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स आज लखनऊ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बिल गेट्स ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और ये प्रदेश में ये चल रही मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर चर्चा की गई। इस दौरान योगी सरकार के कई मंत्री भी पहुंचे हैं। इस संगठन की शुरुआत वर्ष 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने की थी। इसका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना था, जिसे बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा दिया गया। ये विश्व के कुछ सबसे बड़े निजी संस्थाओं में से एक है। आपको बता दें कि भारत दौरे पर पहुंचे बिल गेट्स ने इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और इस दौरान गेट्स ने गृह मंत्री से भारत में विभिन्न कल्याणकारी पहलुओं पर उनके साथ चर्चा की थी। तो बिल गेट्स ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें आपको, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और एनएक्सी में है। बिल गेट्स और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और ये मुलाकात दरअसल खास इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इस मुलाकात में बातचीत की गई, किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की गई। तो आपको बता दें योगी आदित्यनाथ आज माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मिले और प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कुछ रोडमैप तैयार किया जाएगा, किस तरह से योजनाएं बनाई जाएंगी, उसको लेकर आज चर्चा की गई, उसको लेकर ये खास बातचीत की गई। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीडिया के सामने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा किस तरह से प्रदेश को और निवेश उसमें बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बातचीत की गई। तो एनएक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की मुलाकात हुई और यूपी में निवेश को लेकर ये अहम मुलाकात, ये खास बातचीत की गई। प्रदेश में निवेश को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से जो तमाम कंपनियां हैं वो प्रदेश में निवेश करें और क्या कुछ निवेश के और रिसोर्सेस हैं, उसको लेकर आज बातचीत की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम राठौर सीधे हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिल गेट्स की आज मुलाकात हुई, क्या कुछ खास इस मुलाकात में रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एनएक्सी में बैठक हुई, जिसमें कि मुख्य सचिव राजीव कुमार के साथ प्रमुख सचिव संजीव सरन और प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी सभी मौजूद थे। जिनमें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक अहम मुद्दा रहा है रोजगार, रोजगार को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके, इसके लिए आज चर्चा हुई। साथ ही साथ जिस तरीके से जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो पहले से ही पूरे इस जो उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं उनमें सदस्यता लेती है, काम कराती है, उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए उस पर बातचीत की गई। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो सॉइल मैपिंग की एक दिक्कतें आती है, जिस तरीके से किसानों को दिक्कत आती है कि बीजों की दिक्कतें आती हैं अच्छे क्वालिटी की, इन सब चीजों को लेकर एक गहन चिंतन हुआ, बात हुआ, जिसमें कि साफ ये किया गया कि बिल गेट्स जो है उनकी जो कंपनी है वो पूरी तरीके से इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ देगी। पहले से वो केंद्र सरकार के साथ काम कर रही है और अब वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी काम करना चाहती है, जिसके लिए बिल गेट्स से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहां पर जिस तरीके से इंसेफ्लाइटिस बीमारी को लेकर भी कई बार चर्चाएं उठी हैं, उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल गेट्स से बात की है, संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स से बात की है। और साथ ही साथ इन सभी मुद्दों पर बिल गेट्स ने भी ये चीज साफ की कि हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ हैं और जो जो चीजें भी जरूरत होंगी इन सभी चीजों पे हम उत्तर प्रदेश के साथ काम करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से फरवरी में इन्वेस्टमेंट मीट होनी है, बड़े बड़े जो अलग अलग जो घराने कहे जाते हैं, कारोबारी घराने कहे जाते हैं, उन सभी को बुलाया जा रहा है फरवरी में, तो बिल गेट्स को भी उस चीज का न्योता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं निवेश को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है और रोजगार को देखते हुए भी एक बड़ी पहल मानी जा रही है। जी बिल्कुल विक्रम, इस बैठक में और कौन कौन मौजूद था मुख्यमंत्री और बिल गेट्स के अलावा, इसके अलावा कितनी देर तक ये बैठक चली है?
जी, जिस तरीके से जो जो मुद्दे थे, जिस तरीके से पर्यावरण की बात हुई, सॉइल मैपिंग की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, इसमें बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बिल गेट्स की बैठक चली वो 45 मिनट लगभग बैठक चली, जिसमें कि मुख्य सचिव राजीव कुमार, प्रमुख सचिव संजीव सरन, प्रमुख सचिव सूचना और अधिकारीगण सभी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी तरीके से एक प्रेजेंटेशन दिया, साथ में बताया कि किस तरीके से अभी जो पहले की जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है उसमें किस तरीके से और चीजें बढ़ाई जा सकती हैं और किस तरीके से निवेश बढ़ाया जा सकता है, इन सभी चीजों पर डिस्कशन करते हुए सारी चीजें सामने रखी गई। शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी।